फ्रेंड्स, लाइफ इज शॉर्ट। इस दुनिया में कितना दिन रहते हो उतना दिन हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, और हुआ तो चार लोगों को मदद करो। किसको पता है कल होना हो। ये सब बात आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चार दिन पहले मैंने भी मेरा एक क्लासमेट और एक अच्छा दोस्त को खो दिया। एक दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का जिंदगी में सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था। घर में क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। दूसरा दिन एटीएम से पैसे लेकर वापस आते वक्त रोड एक्सीडेंट हुआ। मेरा फ्रेंड बहुत सीरियस था और डॉक्टर लोगों ने भी उसको देखते ही नेगेटिव आंसर दे दिए थे। फिर भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच मेरा फ्रेंड लड़ रहा था। मेरा फ्रेंड का एक छोटा परिवार था। इस परिवार में माँ, दो छोटे छोटे बच्चे और पत्नी रहती है। ये सब लोगों को देखने वाला और पेट भरने वाला एक ही आदमी वो मेरा फ्रेंड था। जब एक्सीडेंट बारे में पता चला तब से पत्नी भगवान से पति के जीवन की भीख मांग रही थी, और एक 5 साल के बच्चा पापा का बारे में सुनते ही बीमार हो गया। माँ तो भगवान से चाहे मेरी जान ले लो, मेरी उम्र मेरे बेटे को दो कहते रोने लगी थी। सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। फिर भी अगला दिन 5 बजे बैड न्यूज़ आ ही गया, और ये न्यूज़ सुनते ही पूरा गांव दुख में डूब। क्योंकि मेरा फ्रेंड एक अच्छा इंसान था, वो हमेशा हंसते रहता था, लोगों के साथ प्यार से रहता था और कभी भी किसी को दुख नहीं करता था। शायद इसलिए कहते हैं ना, अच्छे लोग भगवान को प्यारे है करके। लेकिन वी मिस यू फ्रेंड। फ्रेंड्स, भगवान के पास जाने का वक्त आया तो कोई भी मौत को हरा नहीं सकता है इस दुनिया में। इसका एक छोटा उदाहरण है हमारा किंग ऑफ पॉप यानी पॉप म्यूजिक का बादशाह माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन वर्ल्ड फेमस है। डांस, सिंगिंग, म्यूजिक, ये सब टैलेंट भगवान ने भर भर के उसमें डाल दिया। माइकल जैक्सन इस दुनिया में 150 साल जीना चाहता था, इसलिए 12 डॉक्टर को अपॉइंट किए हेल्थ चेकअप के लिए। खाना खाने से भी पहले लेबोरेटरी में टेस्ट करता था। एजिंग प्रोसेस धीरे धीरे होने के लिए हॉस्पिटल का ऑक्सीजन चेंबर खरीद लिया था और कई ऑर्गन डॉलर्स को भी अपने के लिए तैयार रखा था, क्योंकि माइकल जैक्सन 150 साल इस दुनिया में जीना चाहता था। लेकिन भगवान के प्लान दूसरा ही था। जब वो 50 साल के थे तब हार्ट प्रॉब्लम से उनकी मौत हो गई। तब ना वो 12 डॉक्टर्स, ना वो ऑर्गन डोनर्स, ना वो ऑक्सीजन चेंबर काम आए। फ्रेंड्स, आज माइकल जैक्सन हमारा बीच में नहीं है, फिर भी उसका काम और यादें हमारा बीच में हमेशा है और 150 साल के बाद भी रहेंगे। फ्रेंड्स, मौत तो कभी भी किसी रूप से आ सकता है, लेकिन कितना दिन जिंदा रहते हो ना, उतना दिन हमेशा खुश रहो, जिंदगी में एंजॉय करो, अपने के लिए जियो, और हुआ तो थोड़े अच्छा काम भी करो, क्योंकि मरने के बाद भी नाम तो जिंदा रहे, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। हम मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।